अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं ये चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता ना, लाइट पड़ रही है सामने से। एक तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहेगा तो मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हैं सब्सक्राइब करके चैनल को। ये जो वीडियो देखने वाले हैं, अगर इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो उन वो लोग जो है वो सबसे पहले जाएं और फवाद व्लॉग लिखा हुआ है और उसके आगे सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब के बटन पर जाके क्लिक करें, उसके बाद बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट डालता रहूं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई फवाद ने अब वीडियो डाल दी है। और मेरे चैनल पे 50 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब तो शायद 52 या 55 हो चुकी हैं, इस तरीके से कुछ है। लेकिन ये है कि 50 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं और आप लोगों के व्यूज़ भी अच्छे आएँ। अच्छा, मुझे शिकायत क्या है? मुझे शिकायत ये है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अब तो खैर जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने तो सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं किया है। चैनल पे स्टैटिक्स आती हैं, एनालिटिक्स आती हैं और वो उस पे, अभी मैं सारा आपको आगे चल के बताऊंगा, उस पे मेरे पास जो आ रहा है कि मेरे जितने लोगों ने वीडियोस देखी हैं उसमें से सिर्फ 7% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो भाई 7% लोग जब 2000 हो सकते हैं तो 100% कितने होंगे? तो भैया आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, मैं गारंटी देता हूँ, अल्लाह की कसम आप लोगों के पैसे नहीं कटेंगे भाई, ना आपके क्रेडिट कार्ड से, ना आपके ATM कार्ड से, ना आपके बैंक से, कहीं से भी पैसे कुछ नहीं कटेंगे, सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब दबा दें, मुझे मोटिवेशन दें। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार यूट्यूब चैनल आपने बनाया, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अगर 2-4 लोग मुझे पहचानने लग गए तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया और आपने कैसे बनाया और क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ था। तो भाई इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल और आसान है। वो आसान कैसे है कि हर एक की जीमेल की आईडी बनी हुई होती है तो हर एक का यूट्यूब चैनल खुद ब खुद बन जाता है। जीमेल की आईडी का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम अलग अलग हो सकता है, वो यूट्यूब चैनल पे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो योर चैनल लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे चैनल का नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो चैनल का नाम रखना चाहें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी आईडी हो, जीमेल आईडी का नाम हो, वही आपकी यूट्यूब चैनल का नाम हो। तो आप यूट्यूब चैनल का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाओ। अच्छा, जहाँ तक अब इस महंगाई के दौर में डॉलर जो है ना वो रेट, एक मेरी लॉजिक है कि डॉलर का रेट जो है वो हम, क्योंकि हम पाकिस्तान में, जो लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो डॉलर के रेट जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमारी करेंसी के रेट उसके की वजह से और नीचे होता जा रहा है। तो भैया आप सब लोग जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि डॉलर में कमाओ। डॉलर में कैसे कमाओगे भाई? यूट्यूब एक यूट्यूब वाहिद प्लेटफॉर्म है, ना टिकटॉक है, ना फेसबुक है, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में फेसबुक। अच्छा, बहुत से लोगों का मुझसे ये सवाल होता है कि फेसबुक पे पैसे कैसे कमाएं। तो भाई फेसबुक पे अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि फेसबुक से लोग अर्निंग कर रहे हों। तो ये जो जितने भी लोग होते हैं ना कि भाई 15 मिनट में वीडियो देखें और फेसबुक से पैसे कमाएं, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यूट्यूब आपको पैसे देता है, ना कि टिकटॉक देता है, ना कि आपको फेसबुक देता है, ना इंस्टाग्राम देता है। हाँ, इस पे जो है वो स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल जाए तो वो आपको पैसे, यानी कि बजाते खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और आपका जीमेल अकाउंट कह लें, आपका इंस्टाग्राम कह लें, आपका ट्विटर कह लें, तो ये कोई भी चीज़ आपको बजाते खुद आपको ये वेबसाइट्स पैसे नहीं देती, सिर्फ यूट्यूब आपको पैसे देता है व्यूज़ के। क्यों? क्योंकि आपके हर, आजकल आपने देखा है कि यूट्यूब के हर वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ऐड लगता है, उस ऐड के पैसे जो है वो यूट्यूब 75% खुद रखता है उसके पैसे और बाकी मुनाफा जो है वो आपको देता है। तो इस तरीके से, अच्छा अब यूट्यूब पे अर्निंग इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की अर्निंग जो है वो यूट्यूब चैनल्स की बहुत कम है, मिनिमम पर है। मिनिमम पर क्या है कि 1000 व्यूज़ पे जो आज का रेट है वो 70-80 रुपीज़ है, कि अगर 1000 व्यूज़ किसी एक वीडियो पर आएंगे उस पर आपको 70-80 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो कब है? वो चैनल मोनेटाइज होने के बाद है। मोनेटाइज कैसे होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, आपको जो है वो 4000 घंटे चाहिए, यानी आपकी टोटल वीडियोस के जो वॉच टाइम होगा वो 4000 घंटे जब हो जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज पे जाएगा। फिर आप जो है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होंगे, पूरी ईमेल आती है, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है यूट्यूब वालों का, फौरन ईमेल आती है, फौरन सब कुछ होता है। तो इसमें कोई ये गवर्नमेंट इदारा है नहीं कि अभी जाएगा तो मेरी फाइल नीचे लगेगी
ऊपर आएगी, टाइम लगेगा। तो जिस दिन आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हुए, उसके एक घंटे के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई आप जो है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में 2.3 बिलियन, ये जनवरी 2021 गूगल ने खुद ये रिपोर्ट दी है कि 2.3 बिलियन, बिलियन बी फॉर बॉल, बिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त यूट्यूब का उनका अकाउंट है, चैनल नहीं है, यूट्यूब का अकाउंट है। वीडियोस अपलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने अकाउंट बताया है। व्हाट्सएप पे जो है सबसे पहले यूट्यूब आ रहा है, फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे 1.6 है, फिर इंस्टाग्राम पे 1.3 है, फेसबुक पे भी जो है वो 1.3 बिलियन। तो ये रिपोर्ट जो है वो गूगल ने शाया करी थी कि दिसंबर 2021 में इतने इतने लोग जो हैं वो एक्टिव यूजर्स हैं। यूजर्स क्योंकि हर बंदे की, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि अगर फेसबुक की आईडी पर एक बंदे की जो है वो चार दफा होती है तो वो चार अलग अलग अकाउंट से होती है, तो एक्टिव एक से ही होता है। लेकिन ये एक्टिव यूजर्स क्या होते हैं वो एक पूरी अलग कहानी है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और यूट्यूब पे चैनल कितने हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त यूट्यूब पे चैनल जो है वो 51 मिलियन जो है वो एम फॉर मॉम 51 मिलियन इस वक्त एक्टिव यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं। तो 51 मिलियन एक्टिव में अगर रोज़ एक नया यूट्यूब चैनल जो है वो बन रहा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई वो एक दिन में वायरल नहीं होगा। वो ये है कि वो बहुत एक लकीली पर्संस होते हैं, लकीली चैनल्स होते हैं जो कि रातों रात वायरल होते हैं और सुबह उठते हैं तो बोलते हैं वाह ये क्या हुआ। तो भाई इस वक्त अगर हर नॉर्मल इंसान एक यूट्यूब चैनल रोज़ बना रहा है, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि 100 चैनल रोज़ बनते हैं, तो भाई उसमें से बहुत से यूज़र्स ऐसे होते हैं जो 10 वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर मार्केट से शार्ट। लेकिन अब जो है हमें ऐसे बंदे चाहिए, यूट्यूब कहता है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि मुस्तकिल मिजाज हों, हफ्ते में कम से कम एक वीडियो अपलोड करते हों। तो भाई उन्हीं के चैनल को आगे प्रमोट यूट्यूब खुद भी करता है। इस वक्त यूट्यूब के मुताबिक 191 GB per minute, 191 GB, आप समझते हैं ना, एक मिनट में 191 GB per minute अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, यानी कि वीडियोस जो हैं वो 191 GB की एक एवरेज दिया है, क्योंकि एवरेज क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो जो बीच की एक रेंज होती है वो एवरेज है, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो एवरेज के तौर पे 191 GB per minute यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रही है। तो एक घंटे में कितनी वीडियोज हुई, एक घंटे में 11 TB की वीडियोज जो हैं वो अपलोड होती हैं। तो 11 TB, मैं कहता हूँ कि आजकल लोगों के पास जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है वो भी 1 TB की है या 3 TB की है। इस तरीके से यूट्यूब पर 11 TB हर घंटे में अपलोड हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक वीडियो बनाता हूं वो 1 GB की है, तो एक मिनट में मैं ये कह सकता हूं कि 200 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो 200 वीडियोस देखने वाले, 200 वीडियोस, क्योंकि 51 मिलियन जैसे मैंने बताया आपको कि 51 मिलियन चैनल्स हैं, तो देखने वाले कितने हैं, देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, 2.3 हैं, तो वो 2.3 बिलियन हैं। तो मुझे एक बात ये बताएं कि हम लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल आज मैं बनाऊंगा और रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा, तो रातों रात कोई अमीर नहीं होता। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि मेहनत में ही अजमत है, तो जितनी मेहनत आपको एक प्राइवेट जॉब में देनी पड़ती है, जितना टाइम आपको एक प्राइवेट जॉब में देना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको यूट्यूब के चैनल पर देना पड़ता है। तो लोग अगर ये समझते हैं कि यूट्यूब का चैनल बना लेंगे और बनाने के बाद जो है हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मुझे 6-7 महीने हो गए लेकिन मैं जानता हूँ कि 1 रुपए की इनकम भी नहीं हुई है। मेरा क्या है कि मेरा ये पैशन है, मुझे इसमें जो सबसे पहले आ रहा है ना, और वो ये सोच रहा है कि यार मैं बस पैसे कमाने आ रहा हूँ, तो भाई पैसा सब चीज़ नहीं है यूट्यूब में। सबसे पहले आपका पैशन होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पर पैसे कमाने आया है, या ये यहाँ पर जो है वो अपना टाइम हमारा भी ज़ाया करेगा और अपना भी ज़ाया कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका पैशन है। क्योंकि पैशन वाला इंसान जब वीडियो बनाता है तो वो अलग ही दिखता है, जैसे मैं दिख रहा हूँ। तो मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है कि आप लोग जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करें, एक साल अभी कुछ नहीं करें, लेकिन एक साल तक पैसों की कोई तवक्को ना रखें। एक साल तक कम से कम हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में, मैक्सिमम हर हफ्ते में, क्योंकि महीने में 2 से 3 वीडियोस अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साल तक ये तरीक़ेकार रखते हैं तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा, आप मोनेटाइज पर जाओगे और मोनेटाइज पर जाने के बाद आपकी अर्निंग होगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि 2 महीने 3 महीने, क्योंकि इसके लिए पैशन, वही फिर बात आ गई कि पैशन जब तक होगा तो पैशन आपको, आपके पैसा जो है वो पैसा एक तरफ हो जाएगा, पैशन आपका लेके आपको आगे चलेगा। तो इसलिए यूट्यूब पर
जितना कुछ आप कर सकते हैं वो अपने पैशन के मुताबिक करें। अच्छा, अब यूट्यूब पे जो चैनल बनते हैं वो बहुत सी किस्मों के हैं। यूट्यूब खुद कैटेगरी देता है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशनल है और गेमिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप इसमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी के मुताबिक काम करें। अगर आप एंटरटेनमेंट में जो है वो गेमिंग का डाल देंगे और गेमिंग में जो है वो कुकिंग का डाल देंगे तो ऐसा चैनल कभी भी ग्रो नहीं करता। अगर आपने एक चीज़ रखी है कि भाई मुझे व्लॉग करना है तो मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँगा, मैं गेमिंग का उसमें कॉन्टेंट डालने नहीं बैठ जाऊँगा, मैं उसमें टिकटॉक की वीडियोज़ डालने नहीं बैठ जाऊँगा, मैं उसके अंदर जो है वो कुकिंग की वीडियो डालने नहीं बैठ जाऊँगा, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं व्लॉग अपने मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि भाई मैं व्लॉग जो है वो प्लेसेस का करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग का करता हूँ, मैं स्टेट का काम करता हूँ, मैं जो है वो खाने पीने के व्लॉग्स बनाता हूँ, अब मैं उसमें कुकिंग में खाना पीना सिखाना शुरू कर दूँ तो ये व्लॉग नहीं हुआ, वो कुकिंग का एक अलग चैनल हो गया। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को एक तरफ करना है कि भाई मैं इस कैटेगरी में जा रहा हूँ, और इस कैटेगरी में जाने के बाद अब आपने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी। नहीं, वीडियोज़ अपलोड में कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपने प्लस का बटन निशान आता है, हर यूट्यूब चैनल की ऐप है मोबाइल की उसके अंदर प्लस का आता है, अपलोड वीडियो है, आप उसमें फ़ौरन वीडियो अपलोड कर दें, 5 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी चैनल, आप उसको दूसरों को लिंक शेयर करें। एक शिकायत है मेरी, मैंने बहुत से ऐसे व्लॉग चैनल देखे हैं जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग अपने जो रोज़मर्रा का व्लॉग है वो डालते हैं, डेली रूटीन व्लॉग। तो डेली रूटीन व्लॉग में मुझे एक शिकायत है लोगों से कि भाई अगर आप अपना, मैंने आज रात को सोचा कि यार मैं कल से व्लॉगिंग शुरू करूंगा और मैं कल चैनल बना लूंगा, और मैंने रात में चैनल बनाया और मैंने कल से वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने पर्सनल काम के लिए बैंक, या मैं जा रहा हूँ अपने पर्सनल काम के लिए कुछ ख़रीदने तो मैं उसका भी व्लॉग डाल रहा हूँ। तो भैया इस तरह कभी भी नहीं होता, क्योंकि लोग जो है वो क्या, लोग किसकी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, लोग फेमस लोगों की ज़िंदगी देखना चाहते हैं कि भाई ये कैसे जा रहा है, ये वहाँ गया तो कैसे गया। तो इसमें आप सबसे पहले जो है पहले अपने आप को फेमस करें। फेमस कैसे करेंगे, फेमस आप दूसरे लोगों की फेमस जगहों पे जाकर, अब आप व्लॉग बना रहे हैं तो आप किसी खाने की जगह का व्लॉग बनाएं, किसी रेस्टोरेंट का, किसी जो है वो किसी पार्क का बनाएं, किसी जगह को एक्सप्लोर करें, तो फिर आप लोग आपकी वीडियोस आपकी वजह से नहीं, लोग आपकी वीडियोस उस जगह की वजह से देखेंगे। तो फिर आप जो है, फिर जब आपका फेम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे, लोग आपको पहचानना शुरू कर दें, तो फिर जब आप लोग आपके जो फैन होंगे वो आपकी डेली रूटीन देखना चाहेंगे। अभी आप अपनी डेली रूटीन डाल देंगे तो आपके खानदान के 4 लोग देखेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं देखेगा और ना वो दोबारा देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने चैनल का आगाज करें, अपनी डेली रूटीन एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि भाई मैंने ये चीज़ लोगों को दिखानी है, मैंने ये चीज़ दिखानी है। और मेरी कोशिश तो ये होती है कि भाई बंदा जो है ना एक चैनल पे एक व्लॉग में भी एक कैटेगरी का व्लॉग रखे कि भाई खाने का है ना तो धुआंधार खाने का बनाया उसमें, और खाने का यानी कि अगर किसी को ये हो कि भाई खाने की जगह देखनी है और ये रेस्टोरेंट के बारे में देखना है तो वो बोले नहीं यार उस फना का जो व्लॉग चैनल है उस पर बहुत अच्छा रिव्यू होता है तो उसका जाके देखते हैं। यानी कि आप अपने आप को एक कैटेगरी में रखकर, उस कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो उसमें एक जगह रखकर अपने आप को ग्रो करें ताकि उसमें ही आपको तरक्की देगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि मैं कोई लालच नहीं दे रहा, लेकिन अपने जहन में ये बात बिल्कुल नहीं रखिएगा, लोग यूट्यूब चैनल से महीने के 10 से 15 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। चैनल सामने है लोगों को, सबको सब पता है कि कौन कितने व्यूज़ ले रहा है, कौन कितने लाइक्स ले रहा है, कौन कितने किसकी कितनी, कौन कितना फेमस हुआ हुआ है। तो लोगों के लिए महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे उनकी 6-7 साल की मेहनत है। तो वो पहले जाके देखें भाई उसकी, आप किसी एक व्लॉग को करने जा रहे हैं ना तो आप उसकी पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक जाके देखें पहले, फिर अपना चैनल स्टार्ट करें, उसको देखें कि यार इसने पहली वीडियो में जो करा था और उसके बाद जो अब वीडियोज़ हैं इसमें ये किस तरीके से अपने आप को जो है वो अच्छे से अच्छा करता जा रहा है। अच्छा, साइमा अरेबियन विलाज में बहुत से लोग हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि वो ब्लॉक सी में रहते हैं, ब्लॉक डी में रहते हैं, ब्लॉक ई में रहते हैं, और साइमा अरेबियन विलाज के बाहर की भी मैं अगर बात करूँ तो भैया बाहर के लोग भी अगर कोई अपने कोई अपना बिजनेस है उनका, उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ, मैं आके वीडियो बनाऊँगा, अपने चैनल पर डालूंगा उनकी वीडियो को। और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो मुझसे अपने सारे बिजनेस को शेयर करें। मिसाल के तौर पर किसी ने किरियाने की दुकान खोली और किरियाने की दुकान में भाई वो आटा कहाँ से लेता है और इतने में बेचता है और इतना प्रॉफिट होता है, चावल यहाँ से लेता है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को इस बारे में भी अवेयर करूँ, बिजनेस के बारे में बताऊँ कि भाई देखें इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है। तो
तो ये सब चीज़ें अगर कोई मेरे साथ शेयर करना चाहता है, अपने छोटे से छोटा कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो ऑनलाइन वो कहाँ से परचेज़ कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है, अमेज़ॉन पे कर रहा है, दराज़ पे कर रहा है, OLX पे कर रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर लोग मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें और मेरे फेसबुक पेज पर जाएँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाएँ। फेसबुक पेज पर मेरा फवाद ब्लॉग के नाम से बना हुआ है, इंस्टाग्राम मेरा फवाद फारूकी के नाम से, तो उस पर जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने चैनल को या अपने पेज को या अपने बिजनेस को मुझसे प्रमोट करवा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मैं जितनी मेहनत करता हुआ आ रहा हूं, अगर मैंने पिछले 7 महीने में 8 महीने में जितनी मेहनत करी है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों की वो मेहनत जो है वो स्किप हो जाए। वो मेरी तरफ से भाई, मैं अगर मुझे 2000 लोग जानने लग गए, मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं जब अपने चैनल पर डालूंगा तो इंशाल्लाह वो सब भी आप लोगों को देखेंगे और आप लोग मेरी वजह से आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगी और आप लोगों की वजह से मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। कुर्बानी के दिन होते हैं वो बहुत थकावट के होते हैं, फिर जॉब भी मेरी कंटिन्यू है, अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए जो है वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जब मुझे मौका मिले, जहाँ का मुझे मौका मिले, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, जो है वो नए से नई चीज़ें डिस्कवर करूँ, एक्सप्लोर करूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड हो गया।